जो काम पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं, तो उसको देख के पूरे देश में एक नई ऊर्जा जग रही है। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने जब पंजाब का रिजल्ट आया था, तो उस दिन देश भर के लोगों का आह्वान किया था कि जहां जहां देश के लिए लोग कुछ करना चाहते हैं, जहां भी लोगों के मन में यह है कि राजनीतिक पार्टियों ने एजुकेशन में काम नहीं किया, हेल्थ पे काम नहीं किया, रोजगार पे काम नहीं किया, वेलफेयर पे काम नहीं किया, लोगों के डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, वहाँ वहाँ लोग आगे आएं और खुद उन कामों को आगे करने के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, तो उसकी लहर अब पूरे देश में चली है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि साउथ में भी अब इसकी चर्चा हो रही है। आज हमारे साथ कर्नाटक के हमारी टीम बैठी है, साथ साथ कर्नाटक में सीनियर IPS ऑफिसर अपनी नौकरी छोड़ के भास्कर राव जी मेरे साथ बैठे हैं, जिन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। भास्कर राव जी IPS ऑफिसर तो हैं ही, लेकिन इन्होंने IPS की नौकरी के दौरान दिल्ली आते जाते पिछले 5-7 साल में यहाँ दिल्ली का काम देखा और खुद अपनी इच्छा से, वो खुद बताएंगे कि किस तरह से एक गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचे और वहाँ से इनके मन में जगा कि ये राजनीति देश के लिए होनी चाहिए, ये राजनीति आगे बढ़नी चाहिए। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान दिया, तो वो अपनी नौकरी छोड़ के, अभी उनकी नौकरी बची हुई थी, वो नौकरी छोड़ के आम आदमी पार्टी आज उन्होंने ज्वाइन की है। वर्तमान में अभी नौकरी छोड़ने से ठीक पहले कर्नाटक में बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर थे, वहाँ कोविड के दौरान भी पुलिस कमिश्नर रहे लगातार, और जब कोविड के दौरान सरकारें फेल हुई, पार्टियां फेल हुई, जो काम नेताओं को और चुने हुए नेताओं को और सरकार को करना था एज ए होल हेल्थ सिस्टम से लेके, जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने इंडिविजुअली उस सोशल वेलफेयर की कमान संभाली पुलिस के साथ साथ, और पूरा पुलिस को भी यूज़ करते हुए, लेकिन अपने दम पर वो सारे काम लोगों की मदद के लिए किए जो सरकारों से लोग अपेक्षा कर रहे थे, वो चाहे ऑक्सीजन की कमी हो या दवाइयों की ज़रूरत हो या खाने की ज़रूरत हो, हर तरह की ज़रूरत के काम पूरे किए। तो कोविड में और ओवरऑल इनके पूरे करियर को देखते हुए, खासतौर से अभी कोविड के दौरान इनके काम को देखते हुए, क्योंकि ये वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, तो पुलिस कमिश्नर की जगह इनका नाम लोगों ने वहाँ पीपल्स कमिश्नर रख दिया था, तो कर्नाटक के पीपल्स कमिश्नर कहे जाते हैं भास्कर राव जी। आज इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, मैं एक बार उनका भी धन्यवाद करता हूँ, साथ साथ देश के उन तमाम लोगों से जो जनता से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जो लगता है, जिनको लगता है कि जनता के बीच हमारी काम करने की छवि है, और जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आगे आएँ। मैं भास्कर राव जी से रिक्वेस्ट करूँगा, दो शब्द यहाँ ज्वाइन कर किया है आज आपने मीडिया के सामने रखे। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋದಿಯಾರವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಪಾಂಡೆಯವರವರೇ, ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋ ನಮ್ಮ ರೋಮಿ ಭಾಟಿಯವರೇ, ದೆನ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ದಾಸರಿಯವರೇ, ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ರಾಜೀವ್ ಟೋಪಣ್ಣರವರೇ, ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಠವರೇ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಮೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರನೆಗೆ ಬಾದ ಮೇ ಮೈ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಆಗೆ ಬತಾಊಂಗಾ ಕಿ ಮೈ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ಹಾಲಾಕಿ ನೌಕರಿ ನಹೀ ಕಿ ಹೈ ಮೈನೆ, 32 ಸಾಲ ಮೈ ಪುಲಿಸ್ ಕಿ ನೌಕರಿ ಕರ್ ಚುಕಾ ಹೂಂ, ಏಕ ಸಾಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ ರಹ ಚುಕಾ ಹೂಂ, ಏಕ ಸಾಲ ಆರ್ಮಿ ಮೇ ಭೀ ಕಾಮ ಕರ್ ಚುಕಾ ಹೂಂ, ಔರ್ ಜಬ್ ಭೀ ದಿಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕರ್ತಾ ಥಾ, ದಿಲ್ಲಿ ಕೆ ಪರಿವರ್ತನ್ ಯಹಾಂ ಸೆ ಜೋ ಬದಲಾವ್ ಹೋತಾ ಥಾ ಬಹುತ್ ಕರೀಬ್ ಸೆ ಮೈ ದೇಖಾ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಮೇರೆ ಸಾರೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ ಯಹಾಂ ಹೈ, ಔರ್ ಏಕ ದಿನ ಅಬ್ ಮೇರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜೋ ಹೈ ಯಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅಪ್ನೆ ಮುಜೆ ಬತಾಯಾ ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ಜೋ ಬದಲಾವ್ ವೋ ದಿಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ, ಮುಜೆ ವೋ ಏಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೇಕರ್ ಗಯಾ, ಔರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ಐಸೀ ಬದಲಾವ್ ದೇಖನೆ ಕೋ ಮೈ ಮುಜೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಹೀ ಹುವಾ ಕಿ सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है करके, और मैं कम से कम 3-4 घंटा वहाँ बिताने के बाद में वहाँ से स्कूल के लोगों ने मुझे आम आदमी क्लिनिक भी दिखाया, वहाँ पर आम आदमी क्लिनिक भी दिखाया मुझे, मतलब आम आदमी को, कॉमन पर्सन देश में जो है उसको सबसे अहम ज़रूरत है एजुकेशन और हेल्थ एंड ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो जो है श्रीमान
श्री केजरीवाल साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से मैं देखा हूँ। केजरीवाल साहब भी आसानी से यहाँ नहीं आए, बड़े मुश्किल के पद पकड़ के उन्होंने आया है और कितने संघर्षों का सामना करते हुए वह यहाँ आए हैं। उनके जीवन चरित्र से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ और आम आदमी पार्टी जो है पॉलिटिक्स का लैंडस्केप ही चेंज कर दिया। इट इज़ नॉट जस्ट वन ऑफ द अनदर कॉम्पिटिशन इन द रेड कॉम्पिटिशन, इट इज़ ब्लू कॉम्पिटिशन विच हैज़ चेंज द एंटायर लैंडस्केप ऑफ पॉलिटिक्स इज कंसर्न। जहाँ भी हमने देखा कि केजरीवाल साहब बात करते हैं वो हमेशा प्रगति, स्वच्छ एडमिनिस्ट्रेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब चीज़ देखते हुए पंजाब के लोग भी प्रभावित होकर उनको बहुत बड़ा बहुमत दिया है। और जनसामान्य कर्नाटक में जो आम आदमी है वो भी चाह रहा है कि कुछ बदलाव आए, क्योंकि ट्रेडिशनल पार्टीज को देख चुके हैं हम लोग, हमेशा सिचुएशन तो वही रहता है लेकिन लोग बदलते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। लेकिन ये पार्टी जो है व्यवस्था को में जो बदलाव लाया है, जैसे कि एजुकेशन में मनीष सिसोदिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी यह खर्च होता है लेकिन आम आदमी का जो पोजिशन है हमेशा वही रह जाता है। और लोग जो हैं जितने अपनी प्रगति बताते हैं केवल आंकड़ों से बताते हैं लेकिन सही तरीके से किस तरह से बदलाव आया उस तरह का बदलाव के बारे में किसी ने बताया। मैं खास करके जो दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको आप देखेंगे गूगल करके देखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो 18 द स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स है जो है उसके अनुसार चल रहा है। और मैं भी यूनाइटेड नेशंस में 1.5 साल नौकरी की है, मैंने कोसोवो में नौकरी की है, मैं देखा कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कितनी प्रगति हुई है, क्यों हमारे यहाँ नहीं प्रगति है, कर्नाटक में किस चीज़ की कमी है, सब चीज़ हमारे यहाँ भगवान ने पूरी तरह से दिया है, पानी दिया है, अच्छी वातावरण दिया है, लेकिन नायकत्व लीडरशिप की कमी थी, खास करके क्लीन लीडरशिप की कमी। और आजकल आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के कंट्रोवर्सी से अटेंशन में डाइवर्ट हो जा रहा है और आम आदमी को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और हम जो भी आम आदमी पार्टी में काम करेंगे, हम एक त्रिकोण में, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आम आदमी और नेशन, इसके इसी त्रिकोण के अंदर हम काम करेंगे ताकि देर शुड बी ए सब्सटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन, जो कि नीचे के स्तर। कितने दिन तक हम सब कहेंगे कि लोग तो बढ़े जा रहे हैं आंकड़े के अनुसार बिलो पॉवर्टी लाइन, कम से कम कब तो लोगों की संख्या घटनी चाहिए पॉवर्टी लाइन के, क्योंकि इतना जो पैसा खर्च हो रहा है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम कर्नाटक में है, लोगों को सरकार पर विश्वास उठ गया है, दे हैव स्टार्टेड फीलिंग वेरी आइसोलेटेड एंड दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट। वी नीड टू ब्रिंग गवर्नमेंट क्लोजर टू पीपल, गवर्नमेंट क्लोजर टू देयर डोर स्टेप। जैसे दिल्ली में सरकार जो है आपके घर तक पहुंचती है और सेवाएं आपको घर पर उपलब्ध कराती है, जबकि एक प्राइवेट कंपनी अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो जब कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं यह काम। तो इसी दौरान, और दूसरी बात यह है कि करप्शन जो बहुत बड़ी तरह से वहाँ बढ़ गई है, और सामान्यतर नो गवर्नमेंट ऑफिसर वॉन्ट्स टू बी करप्ट, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ऑनेस्ट। जैसे ऊपर का एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उसी के अनुसार चलना पड़ता है। सो ये सब चीज़ देखते हुए और इतने लंबे सर्विस में मुझे बहुत अच्छी तरह से तीनों पार्टियों को अंदर बाहर, पार्टी का कल्चर, पार्टी के लोगों को और ये सब को बहुत अच्छी तरह से देखने के बाद मुझे यही लगा कि अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ लीडरशिप है वो केवल दिल्ली के लिए ही सीमित नहीं होना चाहिए। अभी तो पंजाब तक जा चुका है, अब नेताजी कल गुजरात भी गए थे और इसको कर्नाटक तक लेके आना है। और कर्नाटक के 6600 ग्राम पंचायत से लेके विधानसभा तक बदलाव लाने की निष्ठा हमारे मन में है और संगठन भी है, लोग भी हैं। और जिन जिन लोगों को क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेडिक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहते हैं, उनके लिए आम आदमी पार्टी ही एक अच्छी सरकार वहां दे सकती है, क्योंकि पिछले 7 साल में इतनी यहां कामें हुई लेकिन यहां किसी भी तरह का कोई ये स्कैंडल हो इत्यादि कहीं कुछ नहीं पहुँचा। और लोगों को सबसे पहले चाहिए इज्जत, जब लोगों को इज्जत मिलता है तो इज्जत से, अगर आप इज्जत देंगे तो लोग अपना भरपूर कोऑपरेशन आपको हमेशा देते रहेंगे। और आने वाले दिनों में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी और हमारे पक्ष के जो वरिष्ठ नायक हैं उनके अनुसार हम कर्नाटक में भी एक बदलाव लाने की एक बहुत बड़ी लहर लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोग चाहते हैं कि एक बदलाव हो, लोग चाहते हैं। अभी सब कर्नाटक में सब लोग तो देख चुके हैं, जितने लीडर भी फिर से वापस आने वाले चुनाव में, उन लोगों को कर्नाटक देख चुकी है, उनके पास नया अब कुछ भी नहीं है। कर्नाटक चाहती कि कुछ नया आए, युवक आए, महिलाएं आए और खास करके गरीबी को से मुक्ति कराने के लिए इतने काम हैं लेकिन सब कागज़ पर रुक जाते हैं। अब उसको जो है रियल लेवल में इसको ट्रांसलेट करके लाने के लिए जो यहाँ दिल्ली में और जो पंजाब में हो रहा है उसी तरह का मॉडल हमको भी वहाँ भी लेके आना है। हमने छोटे तरीके से शुरू किया है, हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम
बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल लैंडस्केप करेंगे. इट इज़ नॉट जस्ट सम अदर पार्टी इसमें कि हम है यहाँ शामिल हो रहे हैं. इतनी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे को कि हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं, हम कहीं फंस गए हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं. हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के फिलोसफी को सब्सक्राइब करते हुए बहुत सारे लोग, स्पेशली सारे, मैं बैंगलोर सिटी का पुलिस कमिश्नर था और जब उस दौरान जब मैं पुलिस कमिश्नर के टाइम में मैं देखा कि सारे हिंदुस्तान के हर एक राज्य के लोग बैंगलोर में हैं और बैंगलोर इज़ अ नॉलेज कैपिटल एंड बैंगलोर डिजर्व्स वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन. इट डिजर्व्स टू बी एन इंटरनेशनल सिटी. बट क्या है कि बिकॉज ऑफ मिस गवर्नेंस, मिस रूल, ये ऐसा हो रहा है. आई डोंट ब्लेम गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. इट इज़ द लीडरशिप दैट हैज़ टू गिव एन आंसर कि क्यों बैंगलोर सिटी का ये हाल हो रहा है इस तरह से, एंड इसको रिवर्स किया जा सकता है. एंड लोग चाहते हैं कि उनकी मिनिमम बेसिक नीड्स आर मेट ओवर देयर. गुड रोड्स, सेफ्टी, गुड स्कूल, गुड हॉस्पिटल, इतना दे देंगे तो अपने आप लोग जो हैं दे विल डू एक्सट्रीमली वेरी वेल. आज मुझे बहुत खुशी हुई कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बहुत मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रख के पार्टी के अंदर मुझे एडमिट किया है. और वापस जाने के बाद में जो दिल्ली की पॉलिसीज़ हैं, पंजाब में जो हो रहा है, उनको हम लोग कर्नाटका में भी उसको लागू करेंगे. धन्यवाद आपका.